कोई भी चीज़ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी को किस तरह से प्रसन्न करना या कौन से तरह की पूजा करनी वो आज मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप जीवन में धन चाहते हैं, अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं या कोई काम पिकअप ही नहीं पकड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान मंदिर जाइए, हो सके तो वो मूर्ति अगर सिंदूर लगी हुई हो पूरी वैसी हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आपको पंचमुखी हनुमान का मंदिर मिल सके तो और बेहतर होगा। पर ये कोशिश करिए कि आप ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति जो है वो पूरी सिंदूरी हो। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, उनके राइट हैंड और राइट लेग से थोड़ा सा सिंदूर आपको ले लेना है वाइट पेपर पे, एक तिलक जितना भी हो उतना भी चल जाएगा, एक तिलक जैसा आपको ले लेना है वाइट पेपर पे। वो वाइट पेपर पे आप वो तिलक ले लीजिए, सिंदूर थोड़ा सा ले लीजिए हनुमान जी के राइट हैंड और राइट लेग से, और वो जो पेपर आप घर पे लेके आओगे उसके अंदर आपको 11 रुपये रखने हैं। और 11 रुपये कौन से रखने हैं, आपको खुद के नहीं रखने हैं, आपको कोई ऐसे व्यक्ति से रखने हैं जो आपसे उम्र में ज़्यादा हो, आपसे वो स्टेटस में ज़्यादा हो और वो खुद की अर्निंग का उसके पास पैसा हो, जो ऑलरेडी स्टेबल हो, ऑलरेडी सेटल्ड हो, ऐसी कोई व्यक्ति जिसका खुद का अर्निंग हो वैसे कोई व्यक्ति से आप 11 रुपया ले लीजिए, और वो 11 रुपये को आप एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए और वो पर्टिकुलर वाइट पेपर में वो 11 रुपये और वो सिंदूर लगा हुआ जो पेपर है उसको आप रैप करके अपने वॉलेट में रखिए, और वॉलेट में रखने से पहले आप राइट हैंड में उसको पकड़िए, उसके ऊपर एक हनुमान चालीसा बोलिए और एक अफर्मेशन और एक अच्छा इंटेंशन रखिए कि आपके भी काम जल्दी से बनने चालू हो जाए, या जब भी आप कोई मीटिंग में जाओ या कोई इंटरव्यू देने जाओ तो आपका वो काम फलीभूत हो जाए, ऐसा सोच के आप जा सकते हैं। तो ये अफर्मेशन और इंटेंशन ज़रूर रखिए। बट याद रहे दोस्तों, ये उपाय सिर्फ उन लोगों को फलेगा जो लाइफ में मेहनत करना चाहते हैं, जो लाइफ में सही में कहीं पे एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर जो लोग हैं कि जो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, उनको शॉर्टकट में कोई मनी चाहिए या कोई जुए में मनी चाहिए, ऐसे लोगों को ये उपाय कभी भी फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, हनुमान जी जो है वो देवता शॉर्टकट के देवता नहीं है, वो जो देव हैं वो मेहनत करने वाले लोगों को, कर्म करने वाले लोगों को प्रिय है, वो मेहनत करने वाले लोगों को, कर्म करने वाले लोगों को पसंद करते हैं और उनसे ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं मगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, अगर आपको हर चीज़ डीले होती दिख रही है, तो आप ये फल ज़रूर, ये वाला आप कर्म करिए, ये वाला उपाय आप करिए जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है।